एक ओर कोरोना काल में जहां इंदौर में उससे बचाव के लिए प्रशासन सख्त हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर शहर में इसका फायदा उठाकर सड़कों पर सैनिटाइजर की दुकानें सज गई हैं। दरअसल सड़कों पर बिकने वाला सैनिटाइजर कितना गुणवत्तापूर्ण होता है यह कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसे बेचने को लेकर कोई मापदंड तय नहीं होते हैं। हालांकि इंदौर जिला प्रशासन ने अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। वहीं सैनिटाइजर की गुणवत्ता को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने सवाल जरूर खड़े किए हैं। उनका मानना है कि अपर्याप्त गुणवत्ता वाले सैनिटाइजर लोगों के लिए मुश्किल खड़े कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिलाए गए मिश्रण की गुणवत्ता प्रमाणित नहीं होती। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल होता है कि इसका इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस मरता है। अगर लोग इस मंशा से इन सैनिटाइजरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अगर कोरोना वायरस नहीं मरा तो समाज में एक बार फिर कोरोना व्यापक पैमाने पर पैर पसार सकता है। हालांकि सैनिटाइजर सड़कों पर बेचने को लेकर अब तक कोई गाइडलाइन तय नहीं है। मैंने ड्रग इंस्पेक्टर को बोल लगाई, टीम लगाई है, इसमें कहां कहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और इनको सील करेंगे, और जो भी इसमें अगर गुणवत्ता कम पाई जाएगी तो लाइसेंसिंग के साथ जो क्रिमिनल एक्शन हो सकता है वो क्रिमिनल एक्शन हम लोग करेंगे इसमें। मास्क, तो मास्क देखिए एक कॉटन के जो डबल लेयर 3-4 रहते हैं तो बिक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो हम लोग बनवा भी रहे हैं, हम जो स्वयं सेवी संस्था हैं जो SHG से बना भी रहे हैं वो।